गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारी गाड़ी रहने वाली है अपनी फोर्ड एंडेवर है, ठीक है। मतलब अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर चाहे फोर्ड एंडेवर कौन सी बेस्ट है। दोनों सेम प्राइस रेंज पे आती है, पर उसमें एक ही अपना मेजर चेंज है, बाकी इंजन वगैरह सब लगभग सेम सनरूफ मिल जाती है और अपनी उसमें सनरूफ नहीं मिलती, ठीक है। और यही बात है, बस अपना ये भी पैनारोमिक सनरूफ मिलती है इसमें अंदर, वो भी देख लो, ठीक है। और बाकी मैं ओनर से ही मिलवाता हूँ, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता देंगे कि क्या है, मतलब गाड़ी कौन सी मॉडल है कौन सा नहीं। तो अपने कार्तिक भाई ओनर हैं गाड़ी के, ठीक है। तो भाई एक बार हेलो कर दो। हेलो भाई। तो भाई अपने गाड़ी के ओनर है, तो सबसे पहले भाई अपना कौन सा मॉडल है ये? 2018 है। तो भाई ये 2018 मॉडल है, ये अपना फोर्ड एंडेवर। तो ये अपना कौन सा ट्रांसमिशन है? ऑटोमेटिक ही आते हैं आजकल सब। अच्छा, ऑटोमेटिक ही आपने लिया? मैनुअल बंद हो गया। तो जब आपने लिया था उस टाइम मैनुअल था? उस टाइम था, अब बंद हो गया। तो भाई भाई ने ऑटोमेटिक लिया, तो कुछ इससे अपनी एवरेज वगैरह पे फर्क आती है? एवरेज इसकी हाँ कम है, मैनुअल से कम है और वैसे ही कम है इसकी। तो ये अपना पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है? पेट्रोल नहीं आता। अच्छा, इसमें पेट्रोल नहीं आता। तो भाई 3.2 लीटर वाला अपना इंजन है इसमें, ठीक है। तो 3.2 लीटर वाला इंजन है, बाकी हाँ तो भाई 4x4 है अपनी गाड़ी पूरा, तो अंदर से भी दिखा देंगे एक बार। तो भाई सबसे पहले आपके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी थी चॉइस में, चाहे अपना फोर्ड एंडेवर भी थी, ठीक है। तो भाई आपने फोर्ड एंडेवर ही क्यों चूज करी? फॉर्च्यूनर की लुक थोड़ी अच्छी लगती है, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में। अच्छा, इसका अच्छा है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, काफी अच्छा है। थोड़ी लुक शायद आप कह सकते हो फॉर्च्यूनर की कभी कभी अच्छी लगती है, बट इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक बार कर लोगे तो फिर कभी फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगा नहीं। तो आपने फॉर्च्यूनर भी देखी होगी उस टाइम? हाँ देखी थी, बट पसंद नहीं आई। तो वो कितने लगभग पड़ रही थी? वो भी इतने ही 36 के अराउंड टॉप मॉडल था उसका, बट फायदा नहीं था उसका। और ये कितने की पड़ी थी टोटल? 38-40 के बीच में थी, इतना ज्यादा ऑन रोड। तो भाई देख लो अपना ऑन रोड, तो ये अपना टॉप वेरिएंट है ऑप्शनल वाला। तो इससे नीचे भी कोई वेरिएंट आता है? नीचे बहुत सारे आते हैं, 2.2 आता है, 3.2 में भी आता है। अच्छा, और डॉटेड टाइटेनियम प्लस का जो टॉप आता है, इससे नीचे भी काफी मॉडल आते हैं, फीचर्स कम होते जाते हैं, तो ये टॉप मॉडल है, फीचर थोड़े टॉप के। तो अभी ये कितना तक की एवरेज दे देती है अपनी? काफी कम है, 7-8 एवरेज है, हाईवे पे 11 के अराउंड आ जाती है। अच्छा, 11 तो आप मतलब कितने चला चुके अब तक? ये चल चुकी 40,000 चला दी। तो अब तक का रिस्पॉन्स ड्राइविंग में तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी छोटी मोटी चीजें इसके निकल जाती है, हेडलाइट खराब हो गई है, कभी उसका होल्डर खराब हो जाता है, छोटी मोटी चीजें जलती रहती है, बट ड्राइविंग बहुत अच्छी है। तो भाई एक चीज देख लो अपना इसमें फीचर्स वगैरह। तो भाई मैं सबसे पहले आगे ले चलता हूँ, अपना जो हेडलाइट है इसमें अपना हाई बीम के लिए अपना नॉर्मल हेलोजन ही है इसमें। अच्छा, तो भाई ये थोड़ी गंदी सी हो रखी है, तो इसमें अपना एक तो प्रोजेक्टर है, हाई बीम अपना जो नॉर्मल हेलोजन वाला ऑप्शन होता है वो है। तो इसमें अपनी एलईडी डली हुई है कि हेलोजन डली हुई है? तो भाई अपना हेलोजन दे रखा है इसमें, पार्किंग बल्ब अपना नीचे है, इसमें भी अपना नॉर्मल हेलोजन है। तो भाई एक चीज मुझे बेकार लगती है इन सब गाड़ियों की, कि भाई इतने पैसे खर्चने के बाद ये अपना एलईडी नहीं देते एलईडी। तो भाई इसमें अपना हेलोजन है, बाकी ये डीआरएम अच्छी है, एलईडी नहीं देते, वो दिक्कत है। तो रिस्पांस इसका? रिस्पांस ठीक है, इसका काम चला हुआ, बाकी इसका बढ़ा सकते हैं एलईडी लगा के। अच्छा, तो भाई देख लो सबसे पहले, भाई ने बता दिया। और अपने आगे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं पूरे फिटेड, कंपनी फिटेड ही आते हैं। अपना ग्रिल में हम ऑप्शन चाहे तो पूरा फोर्ड वाला भी आता है आफ्टर मार्केट, तो वो भी आप चाहे लगवा सकते थे, तो वो क्यों नहीं लगवाया आपने? टाइम नहीं मिल रहा, अभी लगवाएंगे थोड़े टाइम में। तो भाई ने बता दिया, ठीक है। और बाकी एक बार मैं साइड से भी आता हूँ, तो भाई ने जाते हैं स्टॉक ही रख रखी है गाड़ी। तो अपने MRF के टायर आते हैं, टायर का साइज मैं दिखाता हूँ, 265/60-18 इंच अपने अलॉय मिल जाते हैं इसमें। तो अपनी चारों डिस्क मिल जाती है इसमें। तो ब्रेकिंग रिस्पांस इसका? ब्रेकिंग काफी अच्छी है। तो मतलब अगर जैसे गाड़ी 180 चाहे कितनी चढ़ जाती है वैसे? चढ़ाई नहीं मैंने, 160 तो आराम से चढ़ी। अच्छा, 160 तो उस टाइम ब्रेकिंग सही काम करती है। हाँ, तो भाई देख लो अपना फुटरेस्ट भी इसमें कंपनी फिटेड आता ना भाई? तो भाई फुटरेस्ट भी अपना कंपनी फिटेड आता है, और अपनी ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लो। तो भाई एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि भाई एक तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि भाई अपना जो सनरूफ होती है समय के साथ खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। 2 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बाकी आगे देखते हैं, कोई होता नहीं है वैसे फोर्ड में कोई दिक्कत। तो भाई देख लो, बाकी भाई ने बता दिया। और इसकी अपनी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या है? सर्विस कंपनी में शायद 15 के अराउंड है, बाहर से हो जाती है 10 के अराउंड। अच्छा, 10 के अराउंड बाहर से हो जाती है। तो भाई ने बता दिया। और बाकी आपने अभी कंपनी से सारी सर्विस कराई है कि? तो भाई कंपनी से ही भाई ने करा रखी है सारी, और सर्विस वगैरह भी बता दी। टाइटेनियम मॉडल है अपना एंडेवर फोर्ड, पीछे अपना डीफॉगर,
चाहे अपना रेयर वाइपर मिल जाता है। ये अपना टेल का रिस्पॉन्स देख लो, ये ब्लिंक कर रहा होगा, पर भाई ये फ्यूज नहीं है, ये अपना कैमरे में ब्लिंक करता है। ठीक है, तो अगर एक बार मैं पास ले जाके दिखाऊं तो अभी बंद होगी, बाकी दिखाऊंगा बाद में। बाकी पीछे पार्किंग अपने सेंसर मिल जाते हैं। तो भाई अपना ये 4x4 है, तो आपने कभी यूज करा है 4x4? 4x4 पहाड़ों में और जैसे ये ऑफ रोड में बहुत यूज होती है। तो आप लेके गए हो कहीं? चलते ही जा रहा टायर साथ। अच्छा, तो वहाँ से ये पहाड़ों में मनाली गया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ सड़क पे। और इसका अपना थ्रोटल रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, भागते एकदम। तो भाई ने बता दिया। और फोर्ड की अपनी गाड़ियां वैसे भी मैं भी यूज करता हूं, तो मैंने भी अपना रिस्पांस बता ही रखा है। तो भाई देख लो, सबसे पहले एक बार अंदर चल लेते हैं और अंदर चल के भाई से एक बार बात कर लेते हैं कि कैसी कुछ क्या है मेंटेनेंस वगैरह। तो बाकी अंदर चल और गाड़ी के अंदर अपना सबसे पहले घुसते देख लो, अपना ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, अपना हैंड ब्रेक ऑप्शन नॉर्मल मिल जाता है, और ये अपना स्टीरियो वगैरह तो नेविगेशन वाला होगा। नेविगेशन पूरी बढ़िया चलती है। तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अपना ये लेदर राइड वाला आता है पार्ट, तो ये अपना मॉडल लेने पे आता है कि अपना नॉर्मली ऐसे आता है इसमें? नहीं, ये टॉप में ही है शायद, नॉर्मल का मुझे पता नहीं। हाँ, ये 2.2 में नहीं है शायद से, ये पूरा व्हाइट है, और 3.2 में इसमें पूरा ब्लैक दे रखा है इंटीरियर। इतना मुझे नॉलेज नहीं है बाकी। तो और इसके स्पीकर वगैरह? स्पीकर बहुत अच्छे हैं इसके, कोई बाहर की कोई जरूरत नहीं लगी, और बेस भी काफी अच्छा। तो भाई एक चीज और बता रहे थे मुझे, अपनी नॉइस कैंसिलेशन इसकी बहुत बढ़िया। तो भाई एक बार बंद करके और एक बार वापस चला दो, उसके बाद पता चल जाएगा। ये अभी स्टार्ट है, बंद कर दी। तो भाई देख लो, अब बंद होगी गाड़ी और अब भाई चालू करेंगे, ध्यान से आवाज सुनना। तो भाई अपना आवाज सुन लो, और अपना कीलेस एंट्री का ऑप्शन है इसमें? कीलेस इसमें अब जो आ रही है उसमें है, 18 में नहीं था। अच्छा, 18 में नहीं था। तो भाई और टायर प्रेशर वगैरह अपना मोनिटाइजेशन पूरा है। हाँ, तो भाई ने दिखा दिया अभी। और बाकी इसमें अपना स्पीकर वगैरह कैसे हैं इसके? स्पीकर सब वूफर आगे काफी अच्छा चलता है। तो भाई देख लो, ये सब वूफर की प्लेसमेंट अपना यहाँ पे, मतलब नेट टाइप का बना रखा है, यहीं से आवाज आती है। और अपने 6 स्पीकर मिल जाते हैं इसमें? 4 है शायद पीछे, और एक सबवूफर आ गया, अब शायद 6 आ रहे हैं। अच्छा, अब 6, अब वाली में 6 आ रहे हैं, इस टाइम इसमें 4 आ रखे थे और अपना एक सबवूफर। हां जी। तो स्पीकर वगैरह बताए थे उन्होंने कौन सी क्वालिटी है, कंपनी वगैरह की? बाकी सही लगते हैं, कोई पता नहीं। तो अब तक कोई गाड़ी में मेजर दिक्कत आई हो? मेजर दिक्कत ऐसी कोई नहीं आई, छोटे मोटे चलती रहते, कभी ठुक गई तो ठीक करवानी पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो लोग पूछते हैं कि भाई अपना फॉर्च्यूनर कोई भी जानता है गाड़ी, और अपना ये गाड़ी उतनी नहीं जानता, मतलब लोगों के दिमाग में उतना नहीं है। तो फॉर्च्यूनर की रीसेल अच्छी है तो इसलिए। हाँ, रीसेल भी उसकी अच्छी है, तो टोयोटा पे भरोसा लोगों को। तो फोर्ड भी अब काफी सही चढ़ रही है, बट थोड़ा ट्रस्ट करने की बात है, एक बार कर लोगे तो फिर मन नहीं हटेगा। सही बात है ये। तो भाई मैंने भी पहले अपनी गाड़ी वाली में भी बात बोल रखी है कि भाई अगर एक बार ट्रस्ट कर लोगे तो मतलब इससे बढ़िया कोई गाड़ी ही नहीं है। तो भाई एक चीज और मुझे पूछना है कि अपना इसमें इसके जो आफ्टर मार्केट सामान वगैरह होता है, जैसे कुछ पार्ट्स वगैरह हो गए, तो मिल जाते हैं आराम से? हाँ, मिल जाते हैं। तो एक चीज और अब मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इसकी अपनी रीसेल वैल्यू है नहीं? जी। तो कोई जब आप लेने गए होगे तो आपके फैमिली मेंबर ने किसी ने बोला होगा या तो कि भाई रीसेल वैल्यू नहीं है? रीसेल का तब इतना सोचा नहीं, गाड़ी पसंद आ रही थी अंदर से ड्राइविंग में, तो वही ले ली। और हो जाती है रीसेल भी अब 25-26 के अराउंड। तो अब तो जान चुके हैं, तो भाई वैसी हो जाती है। और अपना स्पीकर वगैरह देख लो, और बाकी यहाँ पे डुअल टोन में अपना वो मिल जाता है, बाकी ये पीच कलर में मिल जाता है, और अपना लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, और बाकी अपना पावर विंडो का ऑप्शन है इसमें, अपना फैब्रिक का यूज करा गया है। और उसके बाद ग्लव बॉक्स देख लो, तो ये रहा अपना ग्लव बॉक्स। तो ये कोल्ड वाला है अपना? नहीं, ये नॉर्मल है इसमें। तो भाई देख लो, अपना नॉर्मल वाला दे रखा है। तो यही सब छोटे छोटे फीचर्स ना, अगर थोड़े और दे देते तो और सही होता। तो वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन है इसमें? वायरलेस का नहीं है, बाया इसमें पहले नहीं। अच्छा, पहले नहीं था। तो ये रहा 4x4 का ऑप्शन अपना। हाँ जी, ये सारे सेटिंग्स हैं जो मोड्स की होती है। अच्छा, तो भाई ये स्पोर्ट्स मोड, अपना इको मोड वो वाला ऑप्शन होगा? इसमें इको नहीं है, ये तो जैसे रॉक मोड है, स्नो मोड है, डेजर्ट मोड है। अच्छा, तो भाई देख लो यहीं से। और अपना 4x4 का ऑप्शन भी तो लगता है 4x4 इसमें चलता रहता है, 4x4 लो है इसमें, जब कभी अटक जाए गाड़ी तब काम आता है ये। तो भाई देख लो, ये रहा ऑप्शन, यहीं पे मिल जाता है। और बाकी गाड़ियों में अपना फॉर्च्यूनर वगैरह में गियर टाइप का मिल जाता है सिस्टम? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें वो नहीं दे रखा? नहीं, ये इसमें चल जाता है, ये मोड दे रखे इसमें। अच्छा, सिर्फ नॉर्मल सेट करने होते हैं, उसके बाद चल जाते हैं सारे। अच्छा, तो भाई और अपना क्रूज कंट्रोल वगैरह भी होगा इसमें? क्रूज है ये पूरा सिस्टम। तो अब तक उसका मतलब सही है रिस्पॉन्स? हाँ सही है, हाईवे पे यूज होता है ज्यादा। और एक बार सनरूफ भी ऑन ऑफ करके दिखा दो कि अपना लोग भी देख लेंगे। तो भाई 3 साल बाद देख लो, अपना पूरा सनरूफ वर्किंग है।
हाँ ये सनरूफ हो गया, ये खुल गई पूरी, इतनी खुलती है। अच्छा तो भाई देख लो पैनारोमिक सनरूफ है ये अपनी पूरी, और अपने पीछे लैम्प्स भी मिल रखे हैं वहाँ पे, तो ये चेक कर लो अपने लैम्प्स और बाकी अपने रीडिंग लैम्प्स होते हैं। तो ये थोड़ी व्हाइट लाइट दे दिया और बाकी एक यहाँ पर अपनी दे रखी है, तो भाई ये देख लो यहाँ पे भी अपनी व्हाइट मिल जाती है लाइट, और अपना सनग्लास होल्डर मिल जाता है इसमें। तो इसमें अपनी खड़कने की आवाज कुछ आई नहीं, इसमें नहीं आती कोई दिक्कत। तो अगर आप जैसे सनग्लास वगैरह रखो तो कोई आई नहीं, नहीं, दिक्कत ऐसे, ऐसे तो भाई ने बता दिया। बाकी और मैं एक बार बूट स्पेस दिखा दूंगा, और अपने दो ट्विटर्स भी मिल गए आगे, ठीक है, और पीछे वाले डोर में भी मैं चेक कराता हूँ कि अपना कैसा ट्विटर वगैरह दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो सबसे पहले देख लो, खोलते ही पता चल जा रहा है कि अपनी बिल्ड क्वालिटी कितनी है। तो पीछे अपना यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट करी गई है, तो चार अपने स्पीकर मिल जाते हैं, एक सबवूफर मिल जाता है, चार ट्विटर मिल जाते हैं, और अपना ये देख लो ऑप्शन, बाकी टेल भी ऑप्शन। भाई एक बार बाहर आ जाओ, तो इसमें अपना जो टेल जो बूट गेट वाला ऑप्शन है, तो ये अपना ऑटोमेटिक वाला है जो पैरों से खोलते हैं। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें एक चाबी से खुल जाती है। अच्छा ये चाबी से खुलती है, और अगर अंदर से चाहे तो खोल सकते हैं। हाँ, अंदर से खुल जाती। तो भाई एक बार खोल दो, वहाँ पे देख लेंगे वो। टच से भी खुल जाती है। अच्छा तो भाई देख लो यहाँ पे अपना वो जो ऑप्शन होता है, तो भाई हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है, और पूरा अपने पीछे बूट लैंप का एक ही ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है। और अपना ये चीज देख लो, सीट आगे चली जाती है, तो इसमें अपनी कोई 5 सीटर चाहे 6 सीटर वाली भी ऑप्शन वाली आती है। नहीं 7 सीटर ही आती है। अच्छा पूरी 7 सीटर ही आती है। तो भाई देख लो यहाँ से भाई ने इंक्लाइन कर दिया, पूरी डिक्लाइन कर दिया सीट्स, और अपना पूरा बूट ऑप्शन बढ़ गया है, और उसके बाद भाई ने बता दिया। तो भाई एक बार आ जाओ वापस अंदर ही गाड़ी के। तो भाई ये चीज देख लो, और बंद करते वापस अपना हाइड्रोलिक वाला है, तो ये भी पूरा वर्किंग है अभी 3 साल में। तो भाई अगर किसी को आजकल में लेनी हो फोर्ड एंडेवर और उसपे 40 लाख रुपए हो, तो आप क्या कहोगे? 40 से कम में आ जाएगी, 38 में आ जाएगी, और 2 लाख रुपए मॉड करके बहुत अच्छी बन जाएगी गाड़ी, और तो आपका रोड पे किंग लगोगे चलता, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भाई ने बता दिया अगर किसी को लेनी है चाहे वो कंफ्यूज है, तो पूरा मैंने रिस्पांस भी बता दिया भाई का भी, तो कैसा है। बाकी यहाँ पे अपना होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है चढ़ने उड़ने के लिए। तो भाई अगर किसी को भी लेनी है तो 2 शब्द गाड़ी के लिए कुछ, बिना सोचे उठा लो, बढ़िया गाड़ी। तो भाई ने बता दिया, ठीक है। और बाकी इसका मैं जो अपना रिवर्स पार्किंग वाला ऑटोमेटिक वाला होगा, तो वो भी अपना इसमें होगा। हाँ जी। तो भाई वो मैं अगली वीडियो में उसका रिस्पॉन्स दिखा दूंगा। तो अभी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होप करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।